गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं AS24। AS24 दैट इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ओके, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन किसका? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 बताता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के बारे में, यानी हम कोई अपनी एक डिवीजन, एक कंपोनेंट, एक मेजर लाइन ऑफ एक्टिविटी बंद करते हैं। मान लो हम सीए की कोचिंग चलाते हैं, सीएस की चलाते हैं, सीडब्ल्यू की चलाते हैं, हम मान लो एक अपनी लाइन बंद कर रहे हैं। ये हमारा बुक पब्लिशिंग का भी काम है, कोचिंग का भी काम है, फिर फेस टू फेस भी, ऑनलाइन भी। हम एक कोचिंग पब्लिकेशन और बुक्स बंद करते हैं, मेजर लाइन ऑफ एक्टिविटी। या फिर डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, हमारी एक पाइप की मैन्युफैक्चरिंग है, एक हमारी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग है, हमने कार की मैन्युफैक्चरिंग बंद की, बल्ब की वायर की। ये सब होता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस लेमैन की लैंग्वेज में। अब आते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 की तरफ। ओके, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस मींस कि हम पर्सुएंट टू ए सिंगल प्लान, पर्सुएंट टू ए सिंगल प्लान, पर्सुएंट टू ए सिंगल प्लान दिस सब्सटेंशियल और एंटायर, सब्सटेंशियल और एंटायर इन वन गो और इन पीसफुल, इन वन गो और इन पीस मील, ओके, क्लोज, टर्मिनेट ऑपरेशन बाय क्लोजिंग, सेलिंग, डिस्कार्डिंग। ये आप सीधा लिख लिए बाय टर्मिनेटिंग ऑपरेशन, बाय क्लोजिंग और अबेंडनमेंट। अबेंडन असेट्स को हम ऐसे ही खोल के डाल देते हैं, अबेंडन कर देते हैं। किस चीज की? या तो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन की, या तो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, जो अपनी एक कोई सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है उसका अबेंडन कर देते हैं। सेपरेट बिजनेस, मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, ओके, और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो ये सब डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस आता है। ओके,
लेकिन बट नॉट रीस्ट्रक्चरिंग फॉर फाइनेंशियल reconstruction financial reconstruction या restructure. यदि हम restructuring के लिए कोई काम करते हैं but closing of closing the operations. यदि केवल financial हम एक ही जगह कुछ restructuring करते हैं, division का नाम change करते हैं, लेकिन operation बंद नहीं करते, वो उसके अंदर नहीं आएगा. Operation होना चाहिए, discontinuing operation. Okay. तो अब इसके लिए हमें क्या करना करना है? हमें जब भी डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ कुछ चीजें डिस्टिंग्विश करनी होगी. क्या क्या करना होगा? डिस्टिंग्विश करना है. हाँ जी बस तो वेन जब भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो रहा है उस समय हमें क्या करना है? इन द केस ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हमको कुछ चीजों को डिस्टिंग्विश करना है. डिस्टिंग्विश फॉलोइंग फॉर फाइनेंशियल reporting purposes हम कुछ चीजों को distinguish करेंगे financial reporting के purpose से. किस किस चीज को हम distinguish करेंगे? सबसे पहले कौन कौन सी operational assets हैं, operational liabilities. कौन कौन सी assets and liabilities है which can be attributable to discontinuing operations. कौन कौन सी assets and liability है जो कि इस discontinuing operations के लिए attribute कर सक की जा सकती है. इसी तरह कौन सा revenue है, revenue which can be attributable to discontinuing operation. Which can be distinguished to the operating operation. Okay. Operating expenses which can directly be attributed for discontinuing
ऑपरेशंस। हाँ जी, तो कौन कौन सी ऑपरेशनल असेट एंड लायबिलिटी है जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के लिए डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल की जा सकती है, कौन कौन से रेवेन्यू है, कौन कौन से एक्सपेंसेस है, या ये आपको पता लग सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंसेस विच कैन बी, सारे नहीं, कैन बी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल। टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, तो ये हमको पता लगाना है कि कौन कौन से मेजोरिटी ऑफ एक्सपेंसेस हैं विच कैन बी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो ये सारी चीजें हमको पता लगानी और उनका डिस्क्लोजर करना है, लेकिन ये कब करना है? अब हम डिसकंटिन्यू करने की सोचा है, आपस में डिस्कशन किया, प्लान किया, उसके कोटेशन मंगाए, या हमने बोर्ड में पास किया, या सेलर के साथ एग्रीमेंट किया, या एक्चुअल में हमने सेल किया, किस समय करेंगे, कब करेंगे इसका डिस्क्लोजर, या किस कौन सा इवेंट होगा जिसको हम मानेंगे कि ये इवेंट रिपोर्टेबल इवेंट है फॉर द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ये तो समझ में आ गया, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस मींस कि यदि सब्सटेंशियल या एंटायर किसी कंपोनेंट का हम बेचते हैं एक बार में या पीस मील में थोड़ा थोड़ा करके, कि जिससे कि केवल फाइनेंशियल रिकॉर्ड स्ट्रक्चरिंग नहीं होती, वो ऑपरेशन ही बंद हो जाता है, या एक एरिया में, या एक मशीन का, या एक प्रोडक्ट का, या एक जियोग्राफिकल एरिया का, तो उस केस के अंदर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है। और जब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कौन सी है ऑपरेशनल असेट्स एंड लायबिलिटी जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेट करती हैं, कौन सा है रेवेन्यू जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेट करता है, कौन कौन से है एक्सपेंसेस जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेट करते हैं, और यदि नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस हम पता कर सकते हैं। अब समझिए कब डिस्क्लोज, व्हेन टू डिस्क्लोज, तो इसके लिए हमें ये थोड़ी जगह खाली करनी पड़ेगी। यदि आपने कॉपी कर लिया है तो अब हम बताते हैं व्हेन टू डिस्क्लोज। When to disclose? Disclose करना है हमको, लेकिन करना कब है? When to disclose? ठीक है, हमें ये disclose करना कब है ये हमें समझना है। एक तो होता है यदि हमने उसके लिए सेल एग्रीमेंट किया, एक डेट तो ये, और ये भी सेल एग्रीमेंट क्या था, वाइंडिंग सेल एग्रीमेंट जो हमें करना ही करना होगा। एक डेट होती है जिस दिन हम अप्रूवल ऑफ फॉर्मल प्लान ऑफ डिसकंटिन्यूइंग करते हैं, ओके। एक हम क्या करते हैं, या फिर हम
सीएलबी आरओसी या अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कन्वे करते हैं आवर डिसीजन टू से ठीक है. और अगर एक बार हम एम्प्लॉय कंपनसेशन प्लान बताते हैं टू बी टर्मिनेटेड जो एम्प्लॉय टर्मिनेट किए जाने वाले हैं उनका कंपनसेशन प्लान बनाते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं assets to be sold third हम location identify करते हैं kilos and shifting ये major decisions होते हैं. तो बताइए कौन सी डेट को हम मानेंगे. यदि एम्प्लॉय कंपनसेशन प्लान बनाते हैं टू बी टर्मिनेटेड तो ये होने से इट विल नॉट बी टर्मड एज ये हमारे डिसकंटिन्यूइंग की रिपोर्टेबल डेट नहीं होगी. ये डेट नहीं ये तो हम आपस में डेट नो डेट नॉट द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग. इसी तरह लोकेशन ये भी नॉट द डेट ये आइडेंटिफाई असेस करते हैं ये भी नॉट. अब क्या रह गया ये इन तीनों में से या तो ये करते हैं या ये करते हैं या ये करते. इन तीनों में से जो भी अर्लियर होगा दैट डेट विल बी रिपोर्टिंग डेट दैट विल बी डिसकंटिन्यूइंग डेट discontinuing date for the reporting purpose. तो ये जो तीनों काम करते हैं ये वाली डेट discontinuing की नहीं रहेगी. लेकिन इन तीनों में से या तो हम क्या करते हैं एक binding agreement करते हैं या हम formal plan approve करते हैं और या फिर हम बाहर की authorities को अपनी intention बता देते हैं. तो ये सारी चीजें मैं जो भी earlier होगा डेट विल बी फॉर क्या होगा लेकिन क्या है अप्रूवल ऑफ फॉर्मल प्लान ऑफ डिन को यदि हम अप्रूव करते एंड डिक्लेयर कर देते हैं तब माना जाएगा ये हमारा स्टैंडर्ड कहता है. यदि अप्रूवल ऑफ फॉर्मल प्लान ऑफ डिसकंटिन्यू एंड डिक्लेयर यदि हमने केवल अप्रूवल किया है लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं किया है तब भी ये वाली डेट नहीं मानी जाएगी. यदि डिसकंटिन्यू एंड डिक्लेयर कर देते हैं और या बाइंडिंग एग्रीमेंट कर देते हैं या अथॉरिटीज को बता देते हैं उन तीनों में से जो भी डेट हमारी पहले आएगी वो डेट ऑफ डिसकंटिन्यू हो जाएगा. केवल प्लान अप्रूव हुआ है अभी ना तो उसको हमने डिक्लेयर किया ना हमने उसका कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट किया ना किसी अथॉरिटी को बताया तो दैट विल नॉट बी
ओके हालांकि इनिशियल डिस्क्लोजर हम कर सकते हैं लेकिन डेट ऑफ फ्रॉम अ फॉर्मल डेट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग डिक्लेरेशन के बाद ही होगा ओके अब आइए यदि हमारी जो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हुआ या कोई ऐसा काम हुआ हमारा आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल तब क्या होगा तब हम डिसकंटिन्यू मानेंगे या नहीं मानेंगे तो हमें डिसकंटिन्यूएंस का डिस्क्लोजर करना होगा या नहीं तो स्टैंडर्ड कहता है कि इस केस में हमको AS4 के हिसाब से डिस्क्लोजर करना होगा क्योंकि AS4 कहता है इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट और व्हिच हैज द फंडामेंटल टू द बेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो इसको हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा अब ये जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है ये स्टार्ट तो उस दिन से हो जाएगा ये कंप्लीट कब होगा स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ द तो यदि आपका हमने एग्रीमेंट हो गया बातचीत हो गई मशीन हैंडओवर भी हो गई पैसा नहीं आया तो क्या होगा तो ये लिखा है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस प्लान इज कंप्लीटेड ऑन द डेट of substantial completion of terms even if money is not yet received पैसा अभी नहीं आया है लेकिन सब्सटेंशियली प्लान अप्रूव हो गया है तब भी आप क्या करेंगे तब भी आपका ऑपरेशन कंप्लीट माना जाएगा और डिसकंटिन्यूस के फॉर्मेलिटी पूरी मानी जाएंगी इवन इफ मनी इज नॉट रिसीव्ड ओके थैंक यू वेरी मच उतर लूं